बेटे ने लेगो बनाया, अपनी पॉकेट में इसे लेके आया था ये हायल से, और मैं इसे बनाने नहीं दे रही थी कि पहले हम सेट हो लें, है ना। मॉन्स्टर बर्गर और फिर ये फ्रंट से, ठीक है। okay. सारी साइड से। वाओ, ये फूड ट्रक है। हाँ जी, फूड ट्रक है, मॉन्स्टर। नाइस। इसके ऊपर लिखा हुआ है ईट और बी ईटन। ईट और बी ईटन। फिर ये देखेंगे इसके सारे जो है वो एग्जॉस्ट पाइप से इतने बड़े हैं। नाइस। दोनों मिलते हैं ये। नहीं, दिस इज बर्गर, दिस इज हल्क। Yeah. I love you. अच्छा, फिर अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। अंदर से बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत प्यारा है अंदर से। अच्छा, ये देखें, यहाँ से ऐसे खुल जाता है। वाओ, ये अंदर क्या क्या पड़ा है, हिलाना अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ओ, बर्गर्स और पता नहीं क्या क्या कुछ पड़ा है, सारा मैं निकाल के अभी दिखा के। फिर ये टेबल है, ओके। फिर यहाँ ये चेयर्स है। वाओ, ये सारा कुछ अंदर रखा होता है, नॉर्मल लगी होती है। वाओ, ते हमी नाइस। ये डॉग। फिर एक जूसी सा बर्गर, अब गिर गया। जूसी सा एक बर्गर, ठीक है। दो कैरेक्टर्स हैं, एक ड्राइवर और एक दोनों एक कुक। स्विच भी कर सकते हैं। कॉल हिम द मैन विद द मस्टैश, विद द क्रैंकी मस्टैश। एंड आई कॉल दिस गाय, व्हाट वाज हिज नेम, एक में भी नमाज पढ़ लेते हैं। हाँ बोलो। द मैन विद द अपसाइड डाउन स्माइल। What is upside down smile? He's supposed to be sad, but he's happy. Nice. Wow, ये तो सारा सेटअप हुआ होता है। इवन जो फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा हुआ है। ये देखें, यहाँ एक मशीन भी है, वो बोले अगर यहाँ देखे ना, मशीन भी है वो देखे। ये इसके अंदर ये कुक हो रहा है, कबाब कुक हो रहा है। नाइस नाइस। सारे ये हैंड परे करे, हैंड परे ड्रिंक्स है यहाँ। वाओ, nice, yeah, nice. Suspension. Mama. एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि ये एक चीज़ होती है जिसको आप ओपन और क्लोज कर सकते हैं, और अगर मैं यहाँ से इसको ओपन करूँ तो एक चीज़ ये पुल कर सकता हूँ, पुल करके एक स्टेयर के ऊपर आ जाता है। इसको ओपन करता हूँ, फिर ये शॉप आप क्लाइम करके ऊपर जा सकते हैं। बस एक चीज़ मैं ये बताना भूल गया, ये बेचारा दिखाना चाह रहा था, उसने तो तंग किया था, और अब बाबा सैड होके रोने लग गए कि किसी आ नहीं रहा। और बोला आप सैड होके रो रहे हैं, देखिए मिशी वो अपने भाई को मार रहा है। ये रोने वाला ट्रिक बड़ा काम करता है हमारा, मिशी फौरन मिशी का हार्ट मेल्ट हो जाता है। तो देखते हैं जी कि मैं क्या लेके आई। मैंने सारा कुछ सेट कर दिया था, अरेंज कर दिया था थोड़ा बहुत, ताकि स्पेस जो है वो सारी ऑक्यूपाई ना हो जाए। कैबिनेट जो ये काउंटर टॉप्स हैं, इनके ऊपर अभी भी ये स्पाइसेस और मसाले वगैरह मैंने बाय रखे हैं। ये मैं आपको दिखा दूँगी क्या है, और बाकी मैं आपको ये जो अरेंज किया हुआ यही दिखा देती हूँ। ये ओट्स का एक पैकेट मैंने खोल लिया था, ये वीडियो एक्चुअली उसके नेक्स्ट डे बना रही हूँ मैं, तो जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी वो मैंने यूज़ कर ली हैं। तो ये एक ओट्स का जो है 3 पैक मिल रहा था, बहुत अच्छी प्राइस थी। मुझे प्राइसेस अब याद नहीं, लेकिन सऊदी अरब से ही मैं कंपेयर करती हूँ तो बहुत अच्छी प्राइसेस थी और बहुत अच्छी डील थी। एक मैंने ली है सोया सॉस, विनेगर, और उसके अलावा ये टोमेटो प्यूरे है और टोमेटो पेस्ट जो होती है, और ये दूध है चाय वाला जो मैं यूज़ करती हूँ। ये भी वही है, ये तो लोकल बकाला से लिया था और वहाँ से ये डील पे जो चीज़ें मिल रही थी मैं सारी लेके आ गई हूँ। और उसके अलावा ये हम गए थे कोऑपरेटिव स्टोर जो भी उसका नाम है, और ये ऑलिव्स हैं, ब्लैक ऑलिव्स, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं तो ये मैं ले आई हूँ। बाकी ये अभी मुझे समझ नहीं आई मैंने कहाँ रखनी है, तो इधर रखी हुई है। उसके अलावा ये है इंडोमी चिकन फ्लेवर नूडल्स, ये दोनों बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और फिर ये फैमिली पैक था पास्ता का, और मैं जो है वो एक पूरा पैकेट लें, उसमें 5 थे, 5 छोटे छोटे 1 kg वाले या 1/2 kg वाले आई थिंक पैक। इसके अलावा ये मैदा और चीनी और कॉर्नफ्लावर और आटा, ये आटा
और साथ में ये सनफ्लावर कुकिंग ऑयल शहजाद यहाँ से लोकल शॉप से ले आए थे और पता नहीं सनफ्लावर ऑयल का टेस्ट कैसा हो, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। मैं फिर भी कॉर्न ऑयल ले आई हूँ, तो हमने डिसाइड ये किया कि जो फ्राइंग है वो हम सनफ्लावर ऑयल में कर लेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा पंजेंट होगा, थोड़ी सी इसकी ओडर स्ट्रांग होगी, तो अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो हम इसको जस्ट फ्राइंग के लिए यूज़ करेंगे। और ये साथ में है देसी घी और ये मैं लेके आई हूँ कॉर्न ऑयल और ये कॉर्नफ्लेक्स हैं। इतना बड़ा बॉक्स ले आए कि अब ये टेढ़ा होके इसमें आता है। और क्या था, और मैं आपको दिखाती हूँ, लेके आई थी अपने ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा सा ग्रेनोला और ये बहुत ही टेस्टी है, केलॉग्स का है, बहुत अच्छा है। ये वहाँ भी मिलता था, चीज़ें सब वही हैं जो वहाँ यहाँ मिलती हैं, लेकिन यहाँ आके मैंने ट्राई किया। उसके अलावा ये केचप ली थी जो कि ऑब्वियसली ओपन कर ली है, ये पिकल लिया था जो अभी ओपन नहीं किया लेकिन लीक हो रहा ऑलरेडी। इसके अलावा ली थी हमने न्यूटेला और ये है बेकिंग पाउडर और ये है इंस्टेंट जो यीस्ट होता है और ये है वनीला एसेंस, फॉस्टर क्लार्क्स का वनीला एसेंस यूज़ करती हूँ मैं। और ये होता है, आप हमेशा मुझसे पूछते हैं कि यीस्ट कौन सा यूज़ करती हैं, तो यही वाला है जो सऊदी अरब में मिलता था और यही वाला जो है यहाँ मिल रहा है, जो होता है जिस पे ये बना होता है, बेकर बना होता है, ये मैं यूज़ करती हूँ। और इसको ओपन करके फिर मैं बॉटल में डालती हूँ और फिर उसके बाद फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो ये फिर डोरमेंट हो जाता है। और आपने जब इसे यूज़ करना है फ्रीज़र से निकाल के किसी भी गर्म डो में इसको डालते हैं गर्म लिक्विड में, तो फिर शुगर के साथ तो ये एक्टिवेट हो जाता है। वैसे एक आपको बताऊं बात जो बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगी, शुगर के बगैर भी एक्टिवेट हो जाता है ये वाला। अच्छा खैर, उसके अलावा मैं लेके आई हूँ ये चाय जो कि है रेड लेबल लिप्टन की। हाँ, उसके अलावा ये रेड लेबल लेके आई हूँ मैं लिप्टन की स्ट्रॉन्ग टी। और वहाँ पे हमें जो है ना होटल में ये ट्विनिंग्स जो है ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट थी, ये मुझे बहुत पसंद आई थी और इस वजह से मैंने ये ले लिया। और इसको मैं सिर्फ एक टी बैग गर्म पानी में डाल के बगैर शुगर के और बगैर ऑब्वियसली मिल्क के, तो मैं इसी तरह ये पीती हूँ। बहुत मज़े की मुझे लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस और फ्लेवर बहुत अच्छा है। तो ये हो गया यहाँ का सामान, उसके अलावा मुझे ढूंढना पड़ेगा कि हम क्या लेके आए थे। ये हिलवानी का जैम लेके आई थी, फैमिली फेवरेट है ये हमारा। और फिर साथ में गुडी का ये है क्रीमी पीनट बटर। उसके अलावा क्या है नया, उसके अलावा ये क्रोसांस थे, थोड़े से लिए थे क्विक स्नैकिंग के लिए कि अगर बच्चों का दिल करे या हमारा दिल करे तो, क्योंकि आजकल खाने इतनी फ्रीक्वेंटली पका नहीं पा रही हूँ, तो इस वजह से ये इस तरह की चीज़ें दो चार लेंगी। तो ये ब्रेड है और ये वो वाले बंस हैं जो पाकिस्तान में मिलते थे, ये फ्रूट बंस होते हैं और हम बचपन में इसको लस्सी के साथ खाते थे, तो यहाँ पर मुझे मिले हैं तो मैंने फ़ौरन ले लिया था। अच्छा, उसके अलावा ये है मैंगो जूस के दो क्रेट्स, दो छोटे वाले मतलब पैक, सिक्स सिक्स का पैक था, वो लेके आ गई हूँ। उसके अलावा ये है एप्पल जूस है और ग्रेप्स जूस है, ये मैं इसके लेके आ गई हूँ कि जस्ट इन केस अर्जेंटली घर पे गेस्ट आ जाते हैं तो जूसेस वगैरह पड़े हों। नॉर्मली हम जो जूस लाते हैं वो फ्रिज में रखने वाले होते हैं, तो ये वो हैं कि जो आप रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर कर सकते हैं, तो इसलिए मैं ये भी ले आई हूँ। वहाँ आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि ये वाले जो काउंटर टॉप पे आप स्टोर कर सकते हैं या कैबिनेट्स में, वो जूसेस मेरे पास हों हाइल में रहते हुए, जो रियाद की वीडियोज़ में आपने देखा होगा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली वो दिन वापस आ गए कि जिसमें हमारे घर में मेहमान आया करेंगे, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं और उनके लिए भी फिर हम लोग इंतज़ाम करके अब रखने लग गए हैं। और उसके अलावा ये टिश्यूज़ का पैक जो है किचन टॉवल, ये जो राइस है ना ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे अल हुस्न राइस है और ये हमने लिए हैं और ये बासमती राइस है और ये XXL प्रीमियम है ये, और साइड से देखें तो काफ़ी अच्छे लंबे लॉन्ग ग्रेन राइस लगते हैं, तो इनको मैं इस दफ़ा ट्राई करूँगी। और आपको मैं दिखाती हूँ, और ये शहजाद की और मेरे फेवरेट इमराती पफ की, और जब सऊदी अरब में जो मिलते थे ना वो भी इसी टाइप के होते थे लेकिन उनको हम पफक कहते होते थे, एमिरेट्स नहीं लिखा होता था उसके ऊपर, तो लेकिन फ्लेवर मैंने देखा है यहाँ पे इनको खा के दोनों का सेम है, और इवन तिहामी को बहुत पसंद है तो हमें पूरा बड़ा पैक ले आए। और ये टिशू का पैक है, उसके अलावा मैं लेके आई थी प्याज और गार्लिक और आलू। नेक्स्ट, आज आप भी कहते होंगे कि कैसे मैं वीडियोज़ दिखा रही हूँ। हाँ, ये एक मैंने मिशी से छुपा के, तो ये ड्रिंक जो कोक होती है उसका भी मैंने क्रेट छोटा सा बच्चों के लिए ला के रखा हुआ है। You're a ghost. दोबारा बनो, फिर से गोश्त बनो। You're so scary. You're so scary. Wow, now you're a spider. Oh me.
Oh, now you're a Spider-Man. आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं? ठीक ठाक. कि मेरा बच्चा इतने शौक से शावर लेता है ना. हैप्पी बॉय. गुड गुड. सब नीट एंड क्लीन. अच्छा चलें जी, फ्रिज में मैं आपको दिखाती हूँ. ये है 4 लीटर का मिल्क का कैन. और एक ये लेके आए हैं. उसके अलावा वो हाशी खा के थे. हामी और शहजाद को क्रेज़ हुआ हुआ है कैमल का. और कैमल मिल्क ये लोग लेके आ गए हैं. और ये लोग कैमल मिल्क पी रहे हैं आजकल. मैं और दिखाऊँ आपकी. चलें जी, सब देखें. मिशू के पास मैं आऊँ. अभी नहीं बेटा, अभी नहीं. फिर मिशी तंग करेगा मुझे. वीडियो बना लेने दो ना उसके बाद. और ये है एप्पल जूस और ऑरेंज जूस. उसके अलावा वो एग्स हैं जो आपको पीछे नजर आ रहे हैं. उसके अलावा वो योगर्ट है. और हाँ जी, ले जाओ ले जाओ. सॉसेज में जो है हम लोग लेके आए हैं लाइट मेयो और पक क्रीम चीज. और साथ में ये इमली पेस्ट है. मैं फ्रोजन इमली नहीं लाई इस दफ़ा क्योंकि इमली पेस्ट मिल रही थी, तो मैंने सोचा बिरयानी वगैरह में इसको यूज़ किया जा सकता है. और उसके अलावा ये है चिली सॉस, जिसको शायद बचपन में ईगल सॉस कहते थे. मिशी बहुत मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं. अच्छा ये भी दिखाऊं. ये देखें जी, मिशी का विम्टो और भैया और मिशी का विम्टो है. चलो बेटा इसको फ्रिज को बंद करें. रुको. लो फैट चीज स्लाइस और बटर और साथ में ये एक व्हिपिंग क्रीम जस्ट इन केस. जी जी जी, लेने ले लो. ओके अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रीजर में. फ्रीजर में ये और तो कुछ भी नहीं है, तो पहले का है हमारे पास इस्पोगोल. ये मैं लेके आई हूँ मिक्स वेजिटेबल्स का पैक. और ये सारी चीज़ें सेल पे ही थी. जो भी डिस्काउंट पे आपको पता मिल रहा होता है वो मैं लेके आती हूँ. और ये मैं लेके आई हूँ. और मैंने सोचा पीस पकौड़ा इतने बनाती हूँ, तो ये मैं मिक्स वेजी पकौड़ा बना के देखूँगी. उसके अलावा ये लेके आए हैं हम लोग चिकन स्टिक्स बच्चों के लिए फ्रोजन. ये भी 2 का पैक था, एक यूज़ करना शुरू कर दिया और दूसरा रख लिए. और उसके अलावा ये है जिंगर चिकन स्ट्रिप्स हैं, ये भी बच्चों के लिए लेके आए हैं. ये लोग शौक से खाते हैं. और फिर मोज़रेला चीज़ का पूरा बड़ा पैक अलमराई का. और फिर उसके अलावा ये पराठा, फ्रोज़न पराठा. ठीक है, उसके बाद ये बोनलेस चिकन लेके आई हूँ. और ये भी बोनलेस चिकन है. ये अच्छा बेटा. और इसमें जो है ना बोनलेस ओके ओके अच्छा. ये आप बताओ क्या इसमें. इसमें है बोनलेस मटन. हाँ जी, इसमें आइस है. बोनलेस मटन है. और ये है 4 फ्रोजन फुल चिकन लेके आई हूँ, जिनको साफ करके फिर मैं बना लेती हूँ. मतलब चिकन के सालन खुद ही इनको मैं क्लीन करती हूँ. और यहाँ पे है चिकन मिन्स. ओके यस फिश. और वेजिटेबल्स में रेगुलर वो सारी जो वेजिटेबल्स होती हैं, धनिया पुदीना टमाटर लेमन अदरक हरी मिर्चें, वो सारा कुछ मैं लेके आई हूँ. और फ्रूट में बस ये ग्रेप्स एप्पल वगैरह और बनानास. ये हैं सारे के सारी जो है ना मसालों की दुकान जो मैं घर लेके आ गई हूँ. और ये सारे वही बेसिक मसाले हैं. वैसे कुछ दालें भी हैं, ये सारे वही बेसिक है जो हमारे घरों में होते हैं. अभी हाँ आई थिंक मुझे पेपरिका पाउडर नहीं मिला मुझे, और गार्लिक पाउडर भी आई थिंक नहीं मिला. हाँ चले देखते हैं क्या क्या है मेरे पास, क्या क्या नहीं है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये है सौंफ. और ये है खुश धनिया. कुछ नए नए ब्रांड्स मैंने ट्राई किए हैं कि मेहरान और शान के अलावा देखूँ यहाँ पे, तो काफ़ी सारे ब्रांड्स. सब देखते हूँ कि क्या रिज़ल्ट है इनका. ओके तो ये है बेसन. और इसके अलावा ये है बादियान के नहीं क्या है बे लीव्स हैं ये, वो जो होते हैं तेज़पात, ये वो है. इसके अलावा एक ये जेलीस में एक्स्ट्रा पड़ी थी स्पाइसेस वाले में, तो ये जाएगी यहाँ पे. उसके अलावा ये है जी चाट मसाला और तंदूरी मसाला. नॉर्मली मैं तंदूरी चिकन वगैरह घर पे बनाती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि आपके पास इंग्रेडिएंट्स सारे ना हो और बनाना ही हो आपको अर्जेंटली, तो फिर आप उस केस में ये यूज़ कर लेते हैं. और ये है ज़ीरा. और ये क्या है, ये है गरम मसाला पाउडर. और ये है काली मिर्च का पाउडर. गरम मसाला पाउडर मैं देखूंगी कि ये अच्छा है या नहीं. मेरे पास असल में ग्राइंडिंग मिल अच्छी नहीं है, वो इतने फाइन ग्राइंडिंग करती नहीं है, तो इस वजह से मैं गरम मसाला घर पे नहीं बना रही होती हूँ. तो देखेंगे कैसा है, नहीं तो मैं फिर वही मेहरान या शान का लेके आऊँगी. तो ये है काली मिर्च साबुत. और ये है काली मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर. ये भी मैं ट्रायल के लिए लेके आई हूँ देखने के लिए, क्योंकि शान के और मेहरान के इनके मुकाबले में बहुत एक्सपेंसिव हैं. तो मैंने ये सोचा कि इनको ट्राई करते हैं, अगर ये लेस एक्सपेंसिव है तो क्यों ना इनको यूज़ किया जाए, और अगर फ्लेवर भी इनका सही अच्छा आता है. और ये है साबुत लाल मिर्च.
और दालों में मैं सिर्फ चार चीज़ें लेके आई हूँ, ये है मूंग की दाल, ये है चने और ये है माश की दाल, ये क्या है चने की दाल और ये है मसूर की काली दाल, और यहाँ पे है लौंग और साथ में ये कॉर्न लेके आई हूँ, और ये मिशी जो है वो बहुत शौक से तिहामी और मिशी खाते हैं इस वजह से, और ये लेके आई हूँ मैंगो पाउडर, ये है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर का कलर मुझे ज़रा वैसे थोड़ा इतना ग्रीन नहीं लग रहा है, कैमरा में फील हो रहा है, वैसे इतना ग्रीन है नहीं, येलोइश है, तो ये भी मैंने देखना है कि सही है या नहीं। और ये है क्या था, ये मैंगो पाउडर है, और ये है दालचीनी सिनेमन, और ये है काली मिर्च साबुत, और ये मैं बड़ी हैरान हुई ये पिंक कलर का सॉल्ट है, लेकिन ये ब्लैक सॉल्ट लिखा हुआ उस पर काला नमक पिंक कलर का मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने ग्रे और पिंक मिक्स होता है वो, लेकिन ग्रेइश साइड पे ज़्यादा होता है, तो ये बिल्कुल ही पिंक है, कैमरा में इतना पिंक नहीं लग रहा है लेकिन ये इंतहाई पिंक है, बिल्कुल बेबी पिंक जैसा। ओके बेटा, तो ये भी मैंने देखना है, और ये दोनों आलू बुखारे हैं इमली में डालने के लिए, और ये है सिनेमन पाउडर दालचीनी पाउडर, और ये है जी अदरक का पाउडर, हाँ देखें ना मेरे पास लहसुन पाउडर नहीं है। ओके, और ये है लाल मिर्च कुटी हुई, और ये है जीरा पाउडर, और ये है धनिया पाउडर, दो आ गए मेरे पास, नहीं गरम मसाला और धनिया एक है हाँ, और साथ में ये है मेरे पास मेथी, ड्राई मेथी। तो ये थे मेरे स्पाइस मिक्सेस, और अब इनको मैं बॉटल्स में अरेंज कर लेती हूँ। वाह कितनी दिखे बाबा, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें से निकाल दिया आपने, हाँ इसको रख दो ऐसे, वाह माशाल्लाह मुशी कितना गुड है, ये देखें कितने काम कर रहे माशाल्लाह, मम्मा की इतनी हेल्प कराता है ना कि फिर मम्मा टायर्ड ही नहीं होती, थैंक यू मिशु बहुत हेल्प, और भी करो ना काम, आप तो प्ले करने लग गए हो, मम्मा की हेल्प भी तो कराओ, थैंक यू। हाँ जी निकालो जो पेपर है सारे, हाँ जी नॉर्मल वाली, वाओ ओ इतना फास्ट पापा, देखिए कितना फास्ट कर रहे, ओह 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 कितना फास्ट, कितना फास्ट विशु, ओ फल्ला, ओह 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 देखिए ऐसे लग रहा है कैप्टन अमेरिका है, ओह सुपरमैन, ओह ओह विशु 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 जल्दी जल्दी जल्दी, कितना फास्ट, ओह ओह वाओ मिशु गुड जॉब, इतना फास्ट मेरा का मैंने नहीं देखा आज तक, ओह 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 मिशु थैंक यू, सो कैन वी जस्ट स्लो and
देखें जितनी ब्लिंकिंग लाइट्स नज़र आ रही है ना, ये वो दिवाली की डेकोरेशन की हुई है अपनी अपनी बैल्कनीज में जो हिंदूज हैं उन्होंने। ये देखें हर कोई अपना अपना कल्चर यहाँ पे मना रहा है, वो फेस्टिवल्स अपने अपने हर कोई जो है ना।